नमस्कार, मैं रेनू अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार नगर पालिका के द्वारा त्रिमूर्ति चौराहे से सेंट टेरेसा चौराहे तक सर्विस रोड का निर्माण किए जाने की प्रक्रिया के दौरान कुछ लोग जेसीबी के सामने पहुंच गए और सर्विस रोड के निर्माण को रुकवाने का प्रयास किया गया। इसमें कई महिलाएं पुरुष सर्विस रोड पर रुकवाने के लिए पहुंचे थे, भारी हंगामा हुआ। इस पर SDM धार, तहसीलदार व CMO नगर पालिका मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर हंगामा कर रहे लोगों से बातचीत की। इन लोगों का कहना था कि यह जमीन निजी है, शासकीय नहीं। वहीं मौके पर पहुंचे SDM व तहसीलदार RI ने उनसे जमीन के दस्तावेज मांगे व मौके पर दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं कर सके। देखिए खबर SKP लाइव न्यूज पर। कि हम आते थे ये दुकान के सामने कोई घंटी लगाने देंगे क्या किसी को, ये आप दे दोगे? वहाँ की परिस्थिति अलग है जो आप बात कर रहे हैं। और ये जो रोड बनेगी आपका उन्होंने रोड के बराबर बनी है, यहाँ पे भी उनको काशीबाग के सामने रोड ब्यूसेट फोटो खींचना। वो मनीष ने बोला यार, हमारा क्यों खींच रहे हो यार? ठीक है, रोहित भोसले, और हम तेरी मूर्ति के पुराने जमीन मालिक हैं। हमारा ये निवेदन था कि जब सड़क धार शहर की ओर जा रही है तो सर्विस रोड क्यों बनाया जाए। दूसरा प्रश्न, इसके जो उस तरफ है, आदर्श सड़क के उस तरफ है, जहाँ पे 50-60 दुकानें नगर पालिका ने 10 रुपये रोज पे किराए पे दे दी, वहाँ पर टू व्हीलर बसंत विहार सिल्वर हिल को टू व्हीलर निकालने के लिए तकलीफ हो रही है, और इधर 5 मीटर का सड़क बन रहा है जिसमें 2 फीट बगीचे के लिए। तो ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है तेरी मूर्ति नगर का, जो कमर्शियल क्षेत्र है, वहाँ पर पार्किंग की पूर्ण व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी, जिससे काफ़ी धंधा चौपट हो जाएगा। पहले ही कोरोना के कारण आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है और धंधे चल नहीं रहे हैं, और अगर यदि पार्किंग ख़त्म हो जाती है तो फिर कौन सा विकास होगा? और आजकल हर ग्राहक बड़ी गाड़ी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर लेकर ही आता है, साइकिल का तो जमाना ही ख़त्म हो गया और पैदल आता नहीं है। यही निवेदन है कि इसको थोड़ा सा छोटा 10 फीट का रोड बनाए, और ये जो पैसा है इसको हॉस्पिटल या दूसरी मद में खर्चा करें, जिससे धार का विकास हो सके। धन्यवाद। नहीं, पहली बात तो आपको ये बता दें कि अतिक्रमण कोई हटाया नहीं जा रहा है, नगर पालिका द्वारा रोड निर्माण का काम करा जा रहा है। जैसा कि आप लोगों के सामने है, यहाँ पे पूर्व में ये सर्विस रोड था, इस रोड को व्यवस्थित तरीके से बनाया जा रहा है, और ये यहाँ से लेकर सेंट टेरेसा तक CC रोड बनाया जा रहा है। हाँ, मोबाइल अच्छा, उन्होंने विरोध भी करा, जैसे भी आगे आगे थे। अब उन लोगों का कहना यह था कि हमारी ज़मीन है, तो ऐसा वो दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए कि उनकी ज़मीन है। ये जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आदर्श रोड के साइड में जो है ये सर्विस रोड है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि जो अपना फुटपाथ बना हुआ सर्विस रोड का, वहाँ से लेके 2 फीट तक तो पौधारोपण के लिए ज़मीन छोड़ी जाएगी नगर पालिका द्वारा। उसके बाद 5.5 मीटर का CC रोड है, उसके बाद टोटल पेवर ब्लॉक है,
तो पार्किंग वगैरह की भी सुविधा इन दुकानदारों के लिए भरपूर रहेगी, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और शायद उनकी ये जानकारी में था कि ये उनका उनकी ज़मीन है, तो वो उसके किसी भी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए।